ज्यादा सरप्राइज ना होइए, बिकॉज वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। बट ऑन टू द अदर साइड, राइट डिड अ वंडरफुल मूव, वीकर्स के चलते यहां पर टीम सोल को एलिमिनेट कर दिया। हम बात कर रहे थे कि टीम ब्लाइंड जा रही है जोन के अंदर, सोल ने कुछ लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, गन शॉट्स यहां पर एक्सचेंज नहीं होते, बट ब्लाइंड एक्चुअली वाज हैविंग अ डिसेंट प्लान। वो जोन को गेट कीप कर रहे थे, वो जानते थे कि वहां पर एक टीम और जब वो निकलेंगे तब हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। एंड kudos to blind strategies, bina kya par is team ko confidence aur zyada badh jata hai। aur to the other side we have blind, jinke paas aaj behtareen finish points hai, aur x-men ka ek grenade body shot ke liye bahut zyada painful ho sakta hai। vexi ko open mein knock paya, unko ads call ke damage diya and seedha knock out kar diya। x-men we all are waiting for that one grenade, body shot ki team ko mushkilon mein dal jayega। are you having that grenade? I think yes, he listens to me, उन्होंने मेरी बात यहाँ पर सुन लिया। But wait, I was watching that, I want that grenade to come। और इस रॉक की टीम यहाँ पर बैकफुट पे टकली जा सकती है। टीम आईडी की अगर आप बात करेंगे तो इनको सुन लेंगे ग्रेनेड यहाँ पर चुका जहाँ पर 9 मिनट पॉइंट के पास है। At that dead, went actually wrong window। Wow, what is happening? This match is turning out to be a chaotic one, Cracky। उनके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। गैमलो इज द लास्ट मैन फॉर द टीम, क्या कमला बॉय यहाँ पे आगे कैरी आउट कर पाएंगे, अपनी टीम को आगे ले जा पाएंगे, बिकॉज वेस्ट जो है कंप्लीटली ब्रोकन नजर आ रही है। It's just level 1, level 3 की वेस्ट भी ब्रोकन होती तो भी एक बात समझ आती। बट लुक एट वंस दैट रीप्ले, अक्षत आते हैं उसके साथ साथ रेड आते हैं, क्राउच भी टेक्स डाउन रेड, दो प्लेयर्स की और एक गाड़ी आती है उसको फोड़ के दो प्लेयर्स को रीड आउट किया जाता है एंड फाइनल ब्लो ऑन टू आर्टेमिस। एंड दैट वाज अ रियली रियली गुड वन। बट फिलहाल की अगर हम बात करें टीम स्काईलाइट, गैम्बलर बॉय के पास दो फर्स्ट एड्स केवल एंड दिस इज द सिक्स्थ जोन। ज्यादा से ज्यादा टॉप सिक्स को टॉप फाइव तक ले आना पाना पॉसिबल होगा, बट एट द एंड उनको सर्कल में जाना ही पड़ेगा बिकॉज ज्यादा फर्स्ट एड्स नहीं है एंड ही कांट अफोर्ड टू स्टे आउटसाइड द सर्कल। बिल्कुल, अब यहाँ पर एट बेट की टीम जो एक अग्रेसिव पुश के साथ आराम से उस एरिया को होल्ड ऑन कर रही है जो इन्होंने यहाँ पर जीता है। जी हाँ, उन्होंने वो कमाया है। और अब ब्लाइंड के इवो जानते हैं कि ऑरेंज रॉक की टीम कहाँ है, ब्लाइंड के पास अच्छी फॉर्मेशन है, ऑरेंज रॉक की टीम को अच्छे से फंसा सकती है। इवो कमिंग अप विद द ग्रेनेड, जो अगर ऊपर की विंडो में जाता है तो शायद एक तो नहीं दो प्लेयर्स को एक साथ डाउन कर सकता है। क्या ये सही विंडो में गया? नो, व्हाई एवरी टाइम दिस ग्रेनेड्स आर ऑन द लोअर फ्लोर मैन, फर्स्ट फ्लोर पर आप उन्हें स्पॉट कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर क्यों ग्रेनेड्स नहीं हो रहे हैं? देखना चाहूंगा यहां पर ग्रेनेड्स कब तक कनेक्शन ढूंढ नहीं पाते, बिकॉज ऑरेंज रॉक की टीम को स्मोक पाथ बनाकर बाहर तो आना ही पड़ेगा। ब्लाइंड के प्लेयर्स के पास अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छे एंगल्स है और गिल को यहां पर डाउन करने के बाद एक बेहतर कॉन्फिडेंस भी है। ओपन में स्पॉट करा वहां पर आदित्य को, देखना चाहूंगा ये कनेक्शन ढूंढ पाते हैं नहीं। लुकिंग एट द बैट एरिया इवो, यू नीड टू स्पेक्टेट हिम आउट। वहां पर ओपन में आते हुए प्लेयर्स को मौका था डाउन करने का। ब्लाइंड की टीम इज लुकिंग अनस्टॉपेबल एंड दिस वन बी वन ऑफ द डॉट एचपी। आर यू गॉड? डेस्ट्रो यहां पर डॉट एचपी पर वहां पर एक प्लेयर को डाउन कर जाते हैं जिनके पास खुद भी एचपी नहीं है, 100 एचपी वाले प्लेयर को डाउन कर दिया जाता है। बट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर इवो हैड द लास्ट लव एंड ब्लाइंड स्टिल सर्वाइविंग इन द मैच विद 3 मैन स्ट्रांग। सामने आपको 8 मिनट की टीम मिलेगी बेली सर्वाइविंग और अब जोन के अंदर भी एंट्री लेके जा चुकी है क्रैकी। मौका बहुत अच्छा ब्लाइंड के पास इस मैच को और बड़ा बनाने का। जहां तक इनके पास 12 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं, ये और बड़े मैच में तब्दील किया जा सकता है। उधर रेवेनेंट के एनकोर बिल्कुल अकेले, दरवाजा खोलते ही आपको स्लेयर मिलेंगे, मॉली कर सकते हैं, दरवाजा तोड़ के पार चली जाती है मॉली, वहां पर कुछ बेहतर डैमेज भी दे सकती है। एंड यस, इट्स गोना हैपन जहां पर आतंकी डाउन हो जाते हैं। लगभग पूरी लॉबी इन तीनों टीमों ने एलिमिनेट करी है। 9 पिक्स हमको देखने को मिल रहे हैं टीम आईएनडी के पास, 13 ब्लाइंड के पास और अगर हम बात करें 11 ऑन टू टीम 8 बिट। बट द मेन मैसेकर इज अबाउट टू बिगिन एंड इट्स गोना बी इन द एडवांटेज ऑफ टीम 8 बिट। स्लेयर कैन डू वंडर्स अगर एक परफेक्ट टाइमिंग पे ब्लाइंड के प्लेयर्स को ओपन में ऑफ गार्ड कैच कर लेते हैं।
देखिए ब्लाइंड के प्लेयर्स के पास जिस तरीके का सिनेरियो अभी ऑरेंज रॉक को डाउन करने का था, कुछ वैसे ही सिनेरियो में ब्लाइंड अब खुद फंस चुका है, बिकॉज इन्हें ओपन में जोन में जाना है। और जिस तरीके से इन्होंने ऑरेंज रॉक को डाउन किया था, शायद 8 बिट इनको यहां पर डाउन कर सकती है। बट क्या ब्लाइंड के पास इसका काउंटर है, क्या ये अपनी एंट्री लेकर जा पाते? देखिए अब्सुन ने यहां पर एक्समोन को डाउन कर दिया, ऑलरेडी अब सिर्फ दो ही प्लेयर्स के साथ तीन ब्लाइंड बची है। डुअल वे के स्मोक्स किए हुए हैं, जिसके चलते अगर एक प्लेयर सैक्रिफाइस रोल करना चाहे, हीलिंग्स उठा के वेट करना चाहे फॉर द राइट टाइम, सो यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। बट क्या ब्लाइंड इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहेगी? स्लेयर उधर से अप्सु को डाउन कर जाते हैं, वीरू को यहां पर ओपन में स्पॉट कर लिया जाता है। ब्लाइंड साइको के लिए चीजें थोड़ी सी आसान होती थी, स्लेयर उधर से काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए स्लेयर को भी स्पॉट कर लिया जाता है, बट वहां से काउंटर आता है, जिसके चलते यहां पर ब्लाइंड केवो बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग सामने वापस ब्लाइंड केवो को पूरी से फिनिश ऑफ कर दिया जाता है। डाउन टू टू, 8 बिट की टीम इज लुकिंग स्ट्रांग। ओपन में आते ही वो बिल्कुल सही हार्ड पिक दे देगी मार्कोस गेमिंग के प्लेयर, पर ब्लाइंड के प्लेयर नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोग फाइट्स ले रहे हैं, लोग यशनाय के एरिया से निकल के आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यहां पर ब्लाइंड के प्लेयर जोन का इतना बढ़िया यूज कर रहे हैं, ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसके बाद यहां पर प्रबल दावेदार है मैच में चिकन डेरा निकालने की, जब बारी आती है यहां पर परफॉर्म करने की, तो बहुत ही बढ़िया स्पेस यहां पर निकल कर आते हैं ब्लाइंड की वो गेम 249 से। उधर से मार्कोस गेमिंग की टीम परेशान कर रही है ऑरेंज रॉक को, वो दोनों आपस में लड़के यहां पर डिस्टर्ब हो रहे हैं और ब्लाइंड की टीम कहीं ना कहीं एक अपर हैंड एंजॉय कर रही है। सूर्य कम अप विद द फाइनल ग्रेनेड, ब्लाइंड की टीम काफी ज्यादा दिक्कतों में है। उधर वहां पर जॉर्डन ने आफत मचा रखी है, डॉट एचपी पर मेनली सर्वाइव कर रहे हैं, बट गेल यू आर इन ओपन, यहां पर फर्स्ट एड लगा जरूर से दे, बट एक जंप शॉट मैंने एक्सपेक्ट किया था, और देखते ही देखते ऑरेंज रॉक की टीम डाउन हो जाती है आराम से, कूल होके काफी इजीली यहां पर मार्कोस गेमिंग के प्लेयर फाइनली हील अप करेंगे। बट जो विस्गॉट का ग्रेनेड आ रहा है, दिस माइट बी द डिसाइडर वन, मार्कोस गेमिंग विस्गॉट का ये ग्रेनेड से ब्लाइंड की टीम को बचना पड़ेगा। गाड़ी के पीछे हार्ड रॉक कवर के पीछे जो ये रुके हुए हैं, शायद दिक्कतें बढ़ा सकता है। और पॉइंट पे जाते हुए यहां पर सूर्य के गिल को यहां पर डाउन कर दिया जाता है। विस्गॉट विल यू बी एबल टू कम अप विद द ग्रेनेड? नो, बहुत से ग्रेनेड जो ऑलरेडी कर चुका है, अब सारे यूटिलिटीज खत्म हो चुकी है, दे आर एग्जॉस्टेड। बट ब्लाइंड के विलियम्स को यहां पर हार्ड रॉक कवर के पीछे स्पॉट कर लिया जाता है। साइको वहां पर अभी क्लियर प्रोन डाउन है। फाइनल बॉलर टॉप, दिस माइट बी द डिसाइडर वन, इफ इट डस सम डैमेज, विलियम्स गॉट दिस कनेक्शन जस्ट विद दैट बॉलर टॉप, लास्ट मैच स्टैंडिंग, मॉली गॉन इन ऑफ, साइको बिकम द लास्ट प्लेयर एंड विस्गॉट इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। ये चिकन डिनर मार्कोस गेमिंग के हाथ से कोई नहीं लेके जा सकता। साइको क्या यहां पर कुछ अनवांटेड करने वाले, लुक एट द नंबर ऑफ थ्रोबल्स दैट राइट, मॉली गॉट दिस कनेक्शन डस नॉट, what is happening right there, akele bache mein psycho itna lamba survival bahut kam dekhne ko milta hai, and look at that cracky, wo abhi tak revival dete ja rahe hai, what is happening right there, what is happening it's right there, it's a 1v1 open magic is psycho, oh it's a 1v1, finally it's a 1v1, will he be able to get it done? Marcos gaming was good, come on, you have crossed a lot more hurdles to get this chicken dinner done, will you be able to get it done? No, he did, what just happened, who got that chicken dinner, was it was good? Yes, Marcos it is! Gaming. Marcos Gaming opened oh the chat! Oh my god! What a match we had!